ड्रैगन बॉल जी का एक पिछले एपिसोड में विजिटा के बुरी तरह हारने के बाद ट्रंक्स सेल को चुनौती देता है। ट्रंक्स सुपर सेल से कई गुना ज्यादा पावर बढ़ा लेता है, लेकिन सेल अपने रफ्तार और पावर से ट्रंक्स के फाइटिंग टेक्निक को नाकाम कर देता है। सेल ट्रंक्स को खत्म करने से पहले उससे गोकू के बारे में पूछता है। जब सेल को पता चलता है कि गोकू ट्रेनिंग कर रहा है, सेल ट्रंक्स को छोड़ देता है और एक वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का आयोजन करवाने की सोचता है ताकि सेल अपने परफेक्ट फॉर्म को टेस्ट कर सके। इस तरह सेल वहां से चला जाता है। अब देखिए आगे, ट्रंक्स सेल के बातों से खुद को बेबस महसूस करता है। विजिटा के आने पर ट्रंक्स विजिटा को बताता है कि सेल ने सभी को वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए चुनौती दी। दूसरी तरफ पिकलो बताता है कि ट्रंक्स हार गया। पिकलो खुद को टाइम चैम्बर में ट्रेन करने की सोचता है। दूसरी तरफ फ्रिलिन जब सुनता है कि सेल एक गेम का आयोजन करवाने वाला है तो फ्रिलिन हैरान होता है। फ्रिलिन सोचने लगता है कि वे लोग सेल को कैसे हरा सकते हैं। ट्रंक्स दोबारा टाइम चैम्बर में जाने की सोचता है तो विजिटा उसे रोकता है। विजिटा कहता है कि ना तो ट्रंक्स उसे हरा सकता है और ना ही गोकू। अगली बार विजिटा जाने के लिए तैयार होता है और एक दिन और टाइम चैम्बर में समय बिताने की सोचता है। नंबर 16 के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार होता है। नंबर 16 रिक्वेस्ट करता है उसे कैप्सूल कॉर्पोरेशन में रिपेयर के लिए ले चले। ट्रंक्स गुस्सा होता है कि वह एक एंड्रॉइड को बुलमा के पास भटकने नहीं दे, लेकिन क्रिल के विश्वास के कारण और सेल के खिलाफ एक आम वॉरियर मानकर ट्रंक्स मान जाता है। क्रिल नंबर 16 को रिपेयर के लिए कैप्सूल कॉर्पोरेशन ले जाने लगता है। विजिटा गोकू को टाइम चैम्बर से जल्दी बाहर आने के लिए कहता है ताकि वह एक दिन और ट्रेनिंग कर सेल को अपने हाथों से हरा सके। दूसरा गोहन गोकू को ट्रेनिंग में कड़ी टक्कर दे रहा था। दोनों जबरदस्त फाइट कर रहे थे। उधर विजिटा ट्रंक्स और क्रिल के साथ साथ नंबर 16 में कैप्सूल कॉर्पोरेशन में आ जाता है। बुलमा के कहने पर मास्टर ओसी और सभी कैप्सूल कॉर्पोरेशन में आ जाते हैं। दूसरी तरफ सेल किसी जगह पर आता है और मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए फाइटिंग रिंग तैयार करने लगता है। कुछ ही देर में वह एक फाइटिंग रिंग बना लेता है। सेल सभी को सूचना देने के लिए टीवी स्टेशन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर नंबर 16 के बेहतरीन मॉडल की जांच कर बुलमा के डैड हैरान थे। नंबर 16 बताता है कि उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। बुलमा के डैड बुलमा का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि बुलमा उन एंड्रॉइड्स को ज्यादा समझती थी। बुलमा के डैड यह देखकर हैरान होते हैं कि उनकी कैट नंबर 16 के पास समय से ले जाती है। दूसरी तरफ सभी टीवी देख रहे थे क्योंकि सेल टूर्नामेंट का लोकेशन टीवी पर सूचित करने वाला था। विजिटर और यामचा में इस बात पर बहस हो जाती है। तभी वह बुलमा भी आ जाती है। बुलमा ड्रग्स को देखने लगती है कि कहीं वह सेल के हाथों घायल तो नहीं हो गया। ड्रग्स बताता है कि वह बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ सेल टीवी स्टेशन को ढूंढते हुए एक स्टूडियो पहुंच जाता है। उधर मास्टर ओसी जब टीवी देख रहे थे तो अचानक सेल उनके सामने आ जाता है जिससे वह घबरा जाते हैं। सेल तबाही मचाते हुए मेन स्टूडियो पहुंच जाता है जहां से पूरी दुनिया को उसका संदेश दिया जा सके। सेल सभी को बताता है कि उसका नाम सेल है। वह वही मॉन्स्टर है जिसके बारे में कुछ दिन से कोई खबरें सुन रहे हैं। सेल बताता है कि स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर लॉस्ट वेस्ट में एक गेम होने वाला है जिसका नाम सेल गेम। सेल बताता है कि वह गेम वर्ल्ड मार्शल आर्ट जैसा ही होगा, लेकिन उसमें वह अकेला होगा और सेल से जितने चाहे उतने लोग फाइट कर सकते हैं। सेल सभी को बताता है कि अगर उनके टीम के सारे मेंबर हार जाते हैं तो वह पूरी दुनिया के लिए हार होगा। सभी हैरान होते हैं। सेल सभी को कहता है कि वह सभी फाइटर इसे एक इनविटेशन समझे। सेल एक ब्लास्ट चलाता है जो स्टूडियो में एक बड़ा सा होल कर देता है और इस तरह सेल वहां से चला जाता है। सभी घबराने लगते हैं क्योंकि पूरी दुनिया दांव पर लगी थी। यामचा घबरा कर सोचने लगता है कि सेल सब कौन फाइट करेगा क्योंकि विजिटा और ट्रंक्स उसे हरा नहीं पाए थे और गोकू भी उसे हरा नहीं सकता है। विजिटा कहीं जाने लगता है तो बुलमा पूछती है तो वह कहाँ जा रहा है। विजिटा बताता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है, कोई पृथ्वीवासी मरे या बचे वह सेल को रोकने जा रहा है। ट्रंक्स जाने लगता है तो बुलमा ट्रंक्स को रोकती है और जाने से पहले उसके बालों को काटने के लिए पूछती है। ट्रंक्स मान जाता है। दूसरी तरफ सेल के अनाउंसमेंट से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच चुका था। तभी सेल से बचने के लिए पहाड़ों की रुख करने लगते हैं। न्यूज देखकर क्रिल खुद पर गुस्सा होने लगता है। क्रिल खुद को दोष देने लगता है कि अगर उसने नंबर 3 को तबाह कर दिया होता सेल अपना परफेक्ट फॉर्म कभी हासिल नहीं कर पाता। क्रिल अपनी गलती सुधारने के लिए सेल से फाइट करने जाने की सोचता है तो मास्टर उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि सेल कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिसे वह अकेले निपट सकता है और यह क्रिल भी जानता है। मास्टर ओसी क्रिल से कहते हैं कि उसका मास्टर होने के नाते वह उसकी लाइफ को खतरे में नहीं डालने देगा। मास्टर ओसी क्रिल को टूर्नामेंट तक रोकने के लिए कहते हैं। यामचा भी क्रिल को समझाता है कि वह खुद को दोष न दे। मास्टर ओसी गोकू और सैजन का इंतजार करने के लिए कहते हैं। जब वे ट्रेनिंग को पूरा कर बाहर आएंगे तो वह पहले से बहुत शक्तिशाली होंगे। दूसरी तरफ विजिटा और ट्रंक्स अगली बार टाइम चैम्बर में जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। गोकू को एक दिन पूरा होने में अभी भी 3 घंटा बाकी था। विजिटा कहता है कि उसे नहीं लगता है कि गोकू केवल 24 घंटे में बाहर आ जाएगा, वो उससे और ज्यादा समय लेगा। पिकलो कहता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, सेल गेम को शुरू होने में अभी 9 दिन है। पिकलो विजिटा से कहता है कि वह अभी अंदर से आया है और उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। पिकलो कहता है कि जैसे ही गोकू बाहर आएगा पहले पिकलो अंदर जाएगा। विजिटा कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, एक सैयन ही उसे हरा सकता है। विजिटा फिर तैयार होता है। विजिटा कहता है कि पिकलो के आने के बाद अगला 8 दिन वह अंदर बिताएगा। पिकलो मुस्कुराता है और विजिटा को बताता है कि वो भी अपने पूरे लाइफ टाइम में टाइम चेम्बर में 2 दिन या 48 घंटा से ज्यादा देर अंदर नहीं रह सकता है। विजिटा हैरान होता है और पूछता है कि अगर कोई 48 घंटे से ज्यादा देर रहेगा तो क्या होगा। पोपो बताता है कि वह दरवाजा गायब हो जाएगा और वह हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगा। विजिटा खींचता है और उस विजिटा से कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, जैसा पिकलो ने कहा हमें काफी समय मिलेगा।
तब सब हैरान होते हैं। गोकू और गोहन दोनों समय से पहले ही बाहर आ चुके थे और दोनों सुपर सैनिक में बदले हुए थे। पिकलो गोहन को शुरू में पहचान नहीं पाता है। गोकू बाहर की जानकारी लेने से पहले पोपो से कुछ खाने के लिए मांगता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई थी। इस तरह गोकू और गोहन दोनों बहुत बेसब्री से खाने लगते हैं। सब लोग देख कर हैरान थे। टीन गोकू से पूछता है कहीं वह टैंक चैम्बर में खाने के बारे में भूल तो नहीं गया था। गोकू खाने को मुंह में लिए हुए बोलने की कोशिश करने लगता है जैसे कुछ समझ नहीं आता है। पिकलो कहता है कि पहले उसे निकल लो। गोकू बिना चबाए उसे निकल लेता है। पिकलो कहता है कि चबा तो लेते। गोकू बताता है कि वह और गोहन अच्छे कुक नहीं है इसलिए वे एक सालों से स्वादिष्ट खाना नहीं खाए थे। टीन समझ जाता है। बिजिटा हैरान था कि दोनों सुपर सैनिक फॉर्म में क्यों थे लेकिन दोनों काफी रिलैक्स थे जैसे वह उनका नेचुरल फॉर्म है। गोकू खाने के बाद ट्रंक्स को इंतजार करवाने के लिए सॉरी कहता है और उसे सारी बातें बताने के लिए कहता है। इस तरह ट्रंक्स गोकू को वे सारी बातें बताने लगता है। दूसरी तरफ बुलमा और बुलमा के डैड नंबर 16 को रिपेयर कर रहे थे। बुलमा हैरान होती है। नंबर 16 के मेमोरीज में केवल गोकू की जानकारी भरी हुई थी। बुलमा यह सोचकर हैरान हो रहे थे कि आखिर नंबर 16 अपने प्रोग्राम के अनुसार क्यों नहीं चल रहा था। बुलमा सोचते कि शायद नंबर 16 नाटक कर रहा है और नंबर 16 बेवकूफ बनाकर उनका भरोसा दिलाना चाहता है। बुलमा के डैड बुलमा को बताते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं लगता है। बुलमा के डैड कहते हैं कि नंबर 16 के सर्किट ने बने उनका दिमाग हिला दिया है लेकिन उनका दिल कहता है कि नंबर 16 नाटक नहीं कर रहा है। बुलमा के डैड फिर भी उसे चेक करने के लिए कहते हैं कि उन्होंने ऐसी कमाल की मशीन पहले कभी नहीं देखी थी। बुलमा सोचते कि शायद या फिर ट्रल्स के इतिहास से छेड़छाड़ करने की वजह हो लेकिन जाहिर है इस सेल से मुकाबला करने में नंबर 16 आम वॉरियर है। उधर लुकआउट पर ट्रल्स गोकू को वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बारे में बता देता है जो सेल आयोजन करवाने वाला है। गोकू टूर्नामेंट की बात सुनकर खुश होता है। पिकलो हैरान नहीं होता है कि गोकू उस टूर्नामेंट से खुश है। गोकू फिर से अपना पुराना वाला ड्रेस पहन लेता है। ट्रल्स गोकू से कहता है कि अगर वह चाहे तो बुलमा गोकू के लिए एक नया आर्मर बना सकती है। गोकू बताता है कि नहीं वह पृथ्वीवासी की तरह फाइट करना चाहता है। गोहन पिकलो के पास आता है और कहता है कि उसे एक नए कपड़े की जरूरत है बिल्कुल पिकलो की तरह। पिकलो खुश होता है और गोहन को अपने पावर से बिल्कुल अपनी तरह के कपड़े दे देता है। गोकू गोहन के पास आता है। गोकू और गोहन तैयार थे। बिजिटा गोकू से पूछता है कि क्या प्लान है, क्या वह सेल को हरा पाएगा। गोकू बताता है कि अभी उसने सेल को नहीं देखा है, वह अभी नहीं बता सकता है। गोकू पहले सेल से एक क्विक व्यू लेने को सोचता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। गोकू सेल के पास पहुँच जाता है। सेल गोकू के आने से बिल्कुल हैरान नहीं होता है। सेल गोकू से उस रिंग के बारे में पूछता है जहाँ 9 दिन में दुनिया का भविष्य टिका हुआ था। गोकू कहता है कि अगर दांव पर पूरी दुनिया लगी तो यह 9 दिन कुछ भी नहीं है। सेल मुस्कुराता है। सेल गोकू को देखने लगता है। गोकू के सेल को देख रहा था। उनकी पावर से आसपास के माहौल में बदलाव होने लगता है। गोकू कहता है कि वह उसके टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा इसलिए जो उसने कहा है वो अपने बातों पर कायम रहे। गोकू टूर्नामेंट से पहले सेल को कोई परेशानी नहीं खड़े करने को कहता है। सेल मुस्कुराता है। गोकू वहां से वापस टेलीपोर्ट हो जाता है और वापस लुकआउट पर आ जाता है। उधर माहौल फिर से नॉर्मल हो जाता है। सेल कहता है कि उसने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा मजा आने वाला है। ट्रंक्स गोकू से पूछता है कि उसे क्या लगता है। गोकू सभी को बताता है कि सेल से मिलने के बाद शायद उसे लगता है कि वह उसे नहीं हरा सकता है। सभी हैरान होते हैं कि गोकू ऐसा कहे। ट्रंक्स गोकू से पूछता है कि वह सीरियस तो है ना। पिकलो गोकू से कहता है कि अभी तो समय है और उसे लगता है उसे हाइपरबॉलिक वेव ट्रेनिंग करनी चाहिए लेकिन गोकू मना कर देता है। गोकू बताता है कि उसे काफी ट्रेनिंग करनी है और अगर वो उससे ज्यादा ट्रेनिंग करेगा तो वह ट्रेनिंग नहीं टॉर्चर होगा। गोकू बताता है उसने और गोहन ने अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी है और अगला 9 दिन वह बाहरी तैयारी करेगा। गोकू के बातों से पिकलो के साथ साथ बेजीटा और ट्रंक्स भी हैरान होते हैं। पिकलो हैरानी से पूछता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है वह पूरे 1 दिन और ट्रेनिंग कर सकता है और ताकतवर हो सकता है तो वह मना क्यों कर रहा है। गोकू बताता है कि उसने अपने शरीर को अपने लिमिट तक पहुंचा दिया है और उससे ज्यादा करने पर केवल गोकू अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। गोकू समय से कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं वे अंदर जाकर कितने ग्रोथ लेवल को ट्रेनिंग कर सकते हैं। बिजिटा गोकू से पूछता है कि क्या बिजिटा से गोकू ज्यादा ताकतवर किया है। गोकू बताता है कैसा लगता है तो उसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है। बिजिटा चिढ़ता है तभी को टूर्नामेंट में मिलने के लिए कहकर गोकू और गोहन वहां से चला जाता है। गोकू बीच में कोरिन के पास रुकता है। कोरिन गोकू को देख खुश होता है। कोरिन देखता है कि गोकू काफी रिलैक्स तो कोरिन गोकू से पूछता है कि जरूर गोकू सर को बचाने का रास्ता ढूंढ लिया है। गोकू हंसता है और कहता है ऐसा नहीं है। गोहन हैरान होता है कि गोहन पूरे समय गोकू के साथ था या गोकू गोहन से कुछ छुपा रहा है। गोकू कोरिन से पूछता है कि वह वहां से सेल का फुल पावर का नजर लगा सकता है। कोरिन बताता है कि सेल ने अभी तक अपना पूरा पावर नहीं दिखाया है और वह सिर्फ सेल के पावर को गेस कर सकता है। गोकू कोरिन से रिक्वेस्ट करता है कि कोरिन सेल और गोकू के पावर को कंपैरिजन करे। उधर टीएन हैरान था कि गोकू और गोहन दोनों सुपर सैनिक में थे और बिल्कुल नेचुरल दिख रहे थे। पिकलो बताता है कि जरूर लंबी ट्रेनिंग के बाद वे उस फॉर्म में बने रहने को आसान बना चुके हैं। ट्रल्स पूछता है कि क्या वे जरूरत पड़ने पर उससे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं। बिजिटा ट्रल्स पर गुस्सा होता है और कहता है कि उसने अभी तक कुछ नहीं सीखा है। बिजिटा बताता है कि गोकू सुपर सैनिक के फॉर्म को स्टेबल कर चुका है ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपने पावर को ट्रांसफॉर्मेशन में बर्बाद करने के बजाय फाइट करने में लगा सके। ट्रल्स समझ जाता है कि उसने यह बात तब जानी जब वह सेल से फाइट कर रहा था। तभी सभी को एक झटका महसूस होता है। गोकू अपना पावर बढ़ा रहा था। गोकू के पावर से कोरिन टावर भी बर्बाद होने लगता है।
इस रिंग घबरा कर गोकू को रुकने के लिए कहता है। गोकू रुक जाता है। गोकू को रिंग को बताता है कि वो उसका आधा पावर था, उसे क्या लगता है। ओरिन हैरान होता है कि वह गोकू का आधा पावर ही था। ओरिन कहता है कि जैसा उसने पहन नहीं बताया है वह सिर्फ अंदाजा लगा सकता है। ओरिन कहता है कि सिर्फ अभी उससे ज्यादा ताकतवर है। गोकू कहता है कि उसे लगा ही था। ओरिन हैरान होता है कि गोकू यह बात जानकर भी बहुत रिलैक्स है। गोकू और बुआन वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ओरिन यह सोच रहा था कि गोकू को जीतने की ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी वह शांत है। उधर टीएन और पिकलो गोकू के पावर से हैरान थे। ट्रंक्स सोचता है कि शायद गोकू सेल को हरा सकता है। विजेटा चिढ़ रहा था कि हर बार जब वो गोकू से बराबरी करता है गोकू उससे आगे बढ़ जाता है। विजेटा पिकलो से कहता है कि अगर वह टाइम चैम्बर में जाना चाहता है तो वह जल्दी जाए, उसकी वजह से लाइन रुकी हुई है। दूसरी तरफ गोकू और गोन मास्टर उसके घर पहुंच जाते हैं और चीची को लेकर वहां से अपने घर जाने की सोचते हैं। गोहन गोकू से पूछता है कि क्या वह टूर्नामेंट के लिए तैयार है, क्या विनोक सेल को हरा सकते हैं। गोकू गोहन से कहता है कि वह चिंता न करे और चीची को बुलाने के लिए कहता है। जब सभी गोकू और गोहन को एक साल बाद देखते हैं तो उसे पहचान ही नहीं पाते हैं। चीची जब गोहन को देखती है तो हैरान रह जाते हैं। दोनों पहले से बहुत अलग लग रहे थे। दूसरी तरफ सेल थोड़ा बावल करने के लिए स्पेस में जाता है और सेजर किंग कोल्ड के देने की वजह से आसानी से स्पेस में एस्टेरॉयड से खेलने लगता है। सेल एक एस्टेरॉयड उड़ा देता है जिससे मीटियोर के टुकड़े पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है और वायुमंडल से टकरा कर मीटियोर शावर बन जाता है। पृथ्वी पर जहाँ अफरा तफरी मची हुई थी, जब उन टूटते तारों को सभी देखते हैं तो हैरान होते हैं। दूसरी तरफ चीची देखती है गोकू और गोहन घर पर नहीं थे। गोकू और गोहन एक शांत जगह पर लेटे हुए थे। गोहन गोकू से कहता है कि वह बहुत खुश है क्योंकि गोकू उससे कभी वादा किया था जो उसने पूरा कर दिया है। गोकू पूछता है कि कौन सा वादा। गोहन बताता है कि जब गोकू विजेटा से पहली बार फाइट करने के लिए जा रहा था तो उसने कहा था कि वह गोहन को वापस आने पर फेसिंग पर ले जाएगा। वहाँ पर क्रिलिन भी आ जाता है और कहता है कि वह भी वहाँ पर मौजूद था। क्रिलिन गोकू को याद दिलाता है। गोकू को याद आ जाता है गोहन कहता है कि उन्होंने साथ में बहुत ट्रेनिंग की, लेकिन इससे पहले वह कभी साथ में मछली पकड़ने नहीं आए हैं। गोकू गोहन से पूछता है कि वह नाराज तो नहीं है। गोहन नहीं कहता है। क्रिलिन गोकू को बताता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्रिलिन कहता है कि सेल अपने फाइनल फॉर्म को हासिल करने में कामयाब इसलिए हो पाया है क्योंकि उसने नंबर 18 को बंद नहीं कर पाया। गोकू क्रिलिन से कहता है कि वह चिंता ना करे। गोकू कहता है कि वह पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है और गोहन ने भी अच्छी ट्रेनिंग की है। क्रिलिन कहता है कि फिर भी हर बार उसे क्रिलिन को बचाना पड़ता है। गोकू कहता है कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है, वह उसका दोस्त और वह उसे बचाएगा नहीं। गोकू जब रिलैक्स कर रहा था तो क्रिलिन सोचता है कि जरूर गोहन और गोकू इमेज ट्रेनिंग कर रहा होगा और आसपास के माहौल से वाकिफ होगा। क्रिलिन गोकू पर एक पत्थर उछालता है जिससे गोकू को चोट लग जाता है। गोकू कहता है कि भले वह सुपर सीजन में है लेकिन फिर भी उसे चोट लगता है। क्रिलिन कुछ नहीं बोलता है। सभी लंच करने लगते हैं। गोहन के लंच करने के बाद चीची उसे पढ़ाई के लिए कहती है। गोहन तैयार हो जाता है, पढ़ाई करने चला जाता है। क्रिलिन यह सोचकर हैरान हो रहा था कि 9 दिन गोकू इस तरह की ट्रेनिंग की बात कर रहा था। क्रिलिन सोचता है कि क्या गोकू सेल को इस तरह हरा पाएगा। दूसरी तरफ विजेटा बेताब हो रहा था, पिकलो कब बाहर आएगा। जल्दी पिकलो अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर बाहर आ जाता है और पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया था। विजेटा पिकलो को चिढ़ाता है कि कहीं वो अंदर जाकर तो नहीं गया था। विजेटा अंदर चला जाता है। विजेटा कसम खाता है कि वह गोकू से आगे जाएगा। दूसरी तरफ बुलमा नंबर 16 को जांच कर हैरान होती है। नंबर 16 नंबर 17 और 18 से ज्यादा ताकतवर था और उसके अंदर एक रडार भी था। दूसरी तरफ गोकू और सभी पिकनिक पर आए हुए थे। गोहन गोकू से पूछता है क्या यह करना ठीक है, वे ट्रेनिंग करने के बजाय आराम कर रहे हैं। क्रिलिन भी पूछता है। गोकू कहता है कि उसने कहा ना फिक्र ना करे, हम लोग शायद जीत जाएंगे। क्रिलिन और गोहन हैरान होते हैं कि गोकू शायद कह रहा है। गोकू कहता है कि वे जीत जाएंगे, उस पर भरोसा रखे। गोकू कहता है कि वैसे भी ज्यादा ट्रेनिंग में कोई फायदा नहीं है, हम लोगों ने पूरी कोशिश की है। क्रिलिन तैयार होता है कि उसे गोकू पर भरोसा रखनी चाहिए, वे अंत में जीत ही जाते हैं। चीची सभी को भोजन के लिए बुलाती है। गोकू खुश होता है और सभी भोजन करते हैं। चीची गोकू से रास्ते में मास्टर को सिंह घर रोकने के लिए पूछती है। गोकू तैयार होता है। गोकू देखता है कि एयर डिफेंस के लोग सभी सेल की तरफ जा रहे थे। गोकू और गोहन जब वापस आने लगते हैं तो ट्रैफिक देखकर हैरान होते हैं। सभी सेल के डर से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। गोकू देखता है कि सब दुकानें बंद है। गोकू कहता है उसने मास्टर रोशी के लिए गिफ्ट लेने की सोची थी लेकिन वह नहीं ले पाएगा। गोकू के बाद से गोहन और क्रिलिन हैरान होते हैं क्योंकि गोकू गिफ्ट लेने की बात कर रहा था। तभी रेडियो पर एक खबर आती है कि सेल से निपटने के लिए रॉयल डिफेंस के लोग सेल के पास पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ डिफेंस फोर्स के लोग सेल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सेल खुश होता है कि आखिर उसका कुछ एंटरटेनमेंट होगा। देन फाइटिंग रिंग को बचाने के लिए रिंग से दूर खड़ा हो जाता है। डिफेंस के लोग सेल पर एक साथ कई अटैक कर देते हैं जिससे कई धमाके होते हैं लेकिन सेल को कुछ नहीं होता है। सेल से घबरा कर जब सब भागने लगते हैं सेल उन्हें खत्म करने के लिए तैयार होता है। उधर गोकू सेल को रुकने के लिए कह रहा था। सेल एक अटैक चलाता है जिससे एक साथ सभी डिफेंस फोर्स खत्म हो जाते हैं। इस तरह रेडियो के गड़गड़ाहट से तब खत्म हो जाता है। गोकू सभी से कहता है कि उसे पिकलो से काम है और वे सभी वहाँ से चले जाएं। गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। चीची हैरान होती है कि गोकू को पिकलो से क्या काम है। गोकू पिकलो के पास आता है। गोकू पिकलो के पावर के बदलाव से समझ जाता है कि पिकलो ने भी टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग की। पिकलो कहता है कि भले उसने ट्रेनिंग की है लेकिन उसे नहीं लगता है वह सेल के सामने कुछ है। गोकू कहता है हाँ। पिकलो कहता है कि वह कुछ ज्यादा ही सच्चा है।
पिकलो कोको के वहाँ आने का कारण पूछता है। गोको पिकलो से पूछता है कि क्या वह पहले की तरह कामी और पिकलो में अलग हो सकता है, क्योंकि सेन ने बहुत लोगों को मार दिया है और अगर कामी आ गया तो ड्रैगन बॉल से वो फिर से आ जाएगा। पिकलो बताता है कि वह पॉसिबल नहीं है, अगर वह अलग हो सकता था तो कब का हो जाता। गोको फिर दूसरा तरीका सोचता है। गोको उन नमेकिन के बारे में पूछता है जो किसी दूसरे प्लान पर चले गए थे और उनमें से एक को पृथ्वी का नया गार्डियन बनाने की सोचता है। गोको अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन से पिकलो के जैसा ही एनर्जी ढूंढने की कोशिश करने की सोचता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद उतने बड़े ब्रह्मांड में उन्हें नहीं ढूंढ पाता है। गोकू अब किंग काई की मदद लेने की सोचता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी हैरान होते कि गोकू न जाने क्या करना चाहता था। दूसरी तरफ चीची और सभी मास्टर रोशी के घर आ जाते हैं। उधर गोकू किंग काई के पास पहुँचता है और किंग काई को सिल के बारे में बताता है। गोकू किंग काई से उन नेमेकिन के लोकेशन के बारे में पूछता है और फाइट शुरू होने से पहले एक नया गार्डियन लाने की सोचता है जिससे ड्रैगन बॉल्स भी वापस बनाया जा सके। इस तरह किंग काई जल्द ही नेमेकिन का पता लगा लेते हैं। गोकू अपने टेलीपोर्टेशन से वहाँ पहुँच जाता है। गोकू को देखकर सभी नेमेकिन हैरान होते हैं, लेकिन जब गोकू बताता है कि उसका नाम गोकू है और वह पृथ्वी से है तो ग्रैंड एल्डर बहुत खुश होते हैं। वह वही जिसने फेजस मुकाबला किया था और उनके लोगों को बचाया था। ग्रैंड एल्डर बताते हैं कि उन्हें पृथ्वी से आ रही दुष्ट एनर्जी महसूस हुआ है और पृथ्वी बहुत मुसीबत में है। गोकू जब देखता है कि ग्रैंड एल्डर उस मुसीबत के बारे में जानते हैं तो गोकू सीधे बुद्ध की बात करता है और पृथ्वी के कामी की जगह लेने के लिए इस नए गार्डियन को ढूंढता है। गोकू वहाँ के नेमेकिन से रिक्वेस्ट करता है। ग्रैंड एल्डर डेंडे के बारे में बताते हैं जो पृथ्वी की बातें करता रहता था और वह एक ड्रैगन टाइप भी था। ग्रैंड एल्डर डेंडे से पूछते हैं क्या वह पृथ्वी पर जाना चाहेगा, तो डेंडे पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह गोकू सभी नेमेकिन्स को अलविदा कहकर डेंडे को किंग काई के पास ले आता है और वहाँ से पृथ्वी पर आ जाता है। लेकिन वो डेंडे को देखकर हैरान होता है। पिकलो पूछता है क्या उसे कामी के काम की जानकारी है। गोकू कहता है कि वह कर लेगा। गोकू अब गोहन और क्रिलिन को लाने चला जाता है। दूसरी तरफ गोहन और सभी मिस्टर सैटर्न को देखते हैं जो सेल गेम के लिए फाइट के लिए तैयार हो रहा था। मिस्टर सैटर्न बताता है कि सेल केवल ट्रिक इस्तेमाल करता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है। मिस्टर सैटर्न सेल के ट्रिक को नाकाम करने की सोचता है। मिस्टर सैटर्न कहता है कि वह सेल को धूम चटा देगा। तभी वहाँ गोकू आ जाता है गोहन और क्रिलिन को लेकर। गोकू वापस लुकआउट पर आ जाता है। डेंडे अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश होता है। गोहन और क्रिलिन भी बहुत खुश होते हैं। पिकलो डेंडे से पूछता है कि क्या वह ड्रैगन बॉल्स को बना सकता है। डेंडे बताता है कि वह 100 दिन में ड्रैगन बॉल्स को बना देगा। गोकू हैरान होता है कि 100 दिन तो बहुत ज्यादा दिन है, तभी सोचने लगते हैं। फिर डेंडे एक और तरीका बताता है। डेंडे बताता है कि अगर पृथ्वी पर वह ड्रैगन बॉल्स मौजूद है वह सेंड्रोन के मॉडल को देखकर ड्रैगन बॉल्स को तुरंत बना सकता है। पिकलो बताता है कि पृथ्वी के ड्रैगन बॉल्स पत्थर में बदल चुके हैं और पूरी दुनिया में फैल गए हैं। गोकू बताता है कि उसके पास सेंड्रोन का मॉडल है। क्रिलिन डेंडे से पूछता है कि क्या वह ऐसे बना सकता है तो वह ड्रैगन नेम की तरह तीन इच्छाएं पूरी कर सके। डेंडे हाँ कहता है। पिकलो पूछता है कि क्या वह उन ड्रैगन बॉल्स को इस तरह से बना सकता है कि एक साथ वह कई लोगों को जीवित कर सकते हैं, जैसे सेल के द्वारा मारे गए सभी लोगों को जीवित करना। डेंडे हाँ कहता है। डेंडे बताता है कि वह उसे बना सकता है, लेकिन तीन इच्छाओं के बजाय केवल दो ही मिलेंगी। इस तरह पोपो उस मॉडल को डेंडे को दे देता है जो उसने खुद बनाया था। डेंडे नेमेकिन भाषा में कुछ बोलता है। डेंडे अपने पावर से जल्द ही उस मॉडल को जीवित कर देता है। वे ड्रैगन बॉल्स जो पत्थर बन चुके थे एक एक कर समय चमकने लगते हैं और सातों ड्रैगन बॉल्स फिर से तैयार हो जाते हैं। डेंडे बताता है कि अगर सब सही तरीके से हुआ हो तो वे ड्रैगन बॉल्स ठीक हो गए होंगे। गोकू हैरान होता है कि इतनी जल्दी ड्रैगन बॉल्स ठीक हो गए। पिकलो भी डेंडे के काबिलियत को देखकर खुश होता है। गोकू अब बुलमा से ड्रैगन रडार लेकर उन्हें खोलने की सोचता है। गोकू गोहन को वहीं रुकने के लिए कहता है ताकि वह डेंडे के साथ खेल सके। गोहन कहता है कि ऐसे हालात में क्या खेलना सही होगा। गोकू कहता है कि वह फिक्र ना करे। गोकू जाने लगता है तो ट्रंक्स गोकू से कुछ पूछता है। ट्रंक्स सोचता है कि गोकू ने सेल की कोई कमजोरी ढूंढ ली है, इसलिए गोकू बेफिक्र है। लेकिन गोकू बताता है कि सेल कोई कमजोरी नहीं है। यह बोलकर सभी को बाय कराकर गोकू वहाँ से चला जाता है। ट्रंक्स हैरान होता है। ट्रंक्स गोहन से पूछता है तो गोहन बताता है कि उसे भी गोकू ने कुछ नहीं बताया है। गोकू ने केवल गोहन को तैयार रहने के लिए कहा है। क्रिलिन कहता है कि गोकू ने अगर गोहन को तैयार रहने के लिए कहा है तो हो सकता है गोकू के पास कोई प्लान है जो वह अभी नहीं बता सकता है। पिकलो कहता है कि या फिर वह पहले ही हार मान चुका है। इस तरह गोकू ड्रैगन रडार लेने बुलबुल के पास पहुंचता है। या गोकू सेल को हराने की कोई तरकीब ढूंढ चुका है या गोकू सच में हार मान चुका है। देखना ना भूले ड्रैगन बॉल जी काई के अगले एपिसोड में।